हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में स्वागत है। निफ्टी को आप देखेंगे ना, निफ्टी ने भी डेली का ब्रेकडाउन शो कर दिया है एज लाइक बैंक निफ्टी की तरह। तो ये इसका टारगेट है पोजिशनल पे। ये टारगेट मेरे को लग रहा है कि आने वाले 2, 4, 5, 6 दिन हफ्ता, मतलब हो सकता है इस रेंज में अच्छा खासा कंसोलिडेट करे। बट ये लोअर रेंज को आराम से मतलब 19,200 से लेके 300 तक की रेंज को अप्रोच करना चाहिए। बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, ठीक है। और मतलब ये मोस्ट लाइकली तो यहीं पे चांसेस लग रहे हैं। और इसको इंट्राडे के चार्ट पे आपको दिखाता हूँ। मैं इंट्राडे के चार्ट पे कल क्या आप उस सिचुएशन मतलब क्या पोजीशन ले सकते हैं। ये देखिए कि जो जोन बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है ये वाला, ठीक है। ये जोन निकाले और ये जोन ऊपर वाली ब्लू लाइन को भी निकाल लेना। ये देखो शार्प सेलिंग जोन के लिए स्विंग बना हुआ है, ये स्विंग। जैसे ही स्विंग के ऊपर 15 मिनट की कैंडल सस्टेन हो जाए या 5 मिनट की कैंडल भी और कैंडल हो एब्सोल्यूट, मारो बुझो या ऐसे टाइप कैंडल हो और गुड वॉल्यूम हो, अगर वॉल्यूम भी अच्छा हुआ तो इसके ऊपर गया तो आप पोजिशनल बाय कर सकते हो। ये वाला जोन है जहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई थी, इसको ये अप्रोच कर सकता है क्योंकि वीकली में कहीं भी ख़राब नहीं है। वीकली मंथली में बहुत बुलिश है निफ्टी और बैंक निफ्टी। हो सकता है डेली और घंटे 2 घंटे के चार्ट पे ट्रैप कर ले अच्छे खासे लोगों को। और ये जोन देखिए नीचे, दिस जोन, ठीक है। ये जोन पे यहाँ पे देखिए बाइंग आती है, बाइंग आती है, बाइंग आती है और यहीं से देखो आज इसने सपोर्ट लिया है काइंड ऑफ। तो अगर ये यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन खुलता है ना तो यहाँ से आप बाय कर सकते हो, या फ्लैट खुल के नीचे आता है ना, ये पूरा बॉक्स ना एक कंसोलिडेशन का जोन है, ठीक है ना। तो आज जैसा ट्रेंडिंग आई डोंट थिंक सो कि कल आपको मिलना चाहिए। एक्सपायरी भी है और आज जो मार्केट ने दिया है वो कल लेने के लिए ट्राई करेगा। इस स्विंग के नीचे अगर जाता है ना जो, तो यहाँ पे बायर ट्रैप हो जाएंगे जिन्होंने पोजिशनल बाय किया ना यहाँ पे अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ, तो ये नीचे जोन को रीटेस्ट कर सकता है, ठीक है। इसके बाद मैं ना आपको फिन निफ्टी का दिखाता हूँ। लास्ट वीक मैंने वीडियो में बताया था कि ये जोन ना फिन निफ्टी के लिए एक बहुत शार्प सेलिंग जोन है, आप वीडियो में चेक कर सकते हो। तो मैंने आज पोजिशनल यहाँ पे शॉर्ट किया था। ये देखो ये दिन होता है ऑप्शन बायर का, जिस दिन आपके ऑप्शन 4 गुना 5 गुना डबल ट्रिपल होते हैं। ये देखिए ये जोन, पहला साइन था गैप डाउन खुला, रेजिस्टेंस के नीचे खुला, ठीक है। दूसरा साइन था इनसाइड कैंडल, ठीक है। मैंने फिर भी लास्ट सेफ क्या लिया कि जब इसने इनसाइड कैंडल का नीचे लो ब्रेक किया, फिर रीटेस्ट किया और ब्लू वाली लाइन को फिर इसने किया और नीचे वाला ग्रीन जोन मैंने बुक कर लिया था। बट नीचे वाला जो ग्रीन आप डार्क जोन देख रहे हैं ना, जो ये वाइड, यहाँ से देखो ये यहाँ से बाइंग आती है। तो ये इसका टारगेट था, ये टारगेट अचीव करें। इंडाइसिस आज के दिन में सारे अपना लोअर रेंज को रीटेस्ट कर चुके हैं और अभी आप मतलब इतनी खासी जो आज पोजीशन, मतलब आज जो आपको ट्रेंडिंग मार्केट मिली है ना, मेरे को तो नहीं लगता कि ये कल और परसों आपको मिलेगी कहीं भी। अभी एक हफ्ता मार्केट कहीं भी आपको ऐसी ट्रेंडिंग मिलनी ही नहीं चाहिए। बाकी मार्केट इज़ सुप्रीम, मार्केट क्या करती है वो तो अलग ही मतलब सीन है, ये तो प्रोबेबिलिटी का सीन है। ये देखिए ये बॉक्स जोन इसने बनाया था, नीचे ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, फिर बनाया। अब ये लोअर लो में शिफ्ट होने के लिए अभी ये जोन को इससे को टारगेट करना पड़ेगा। ये जोन एक डेली में सपोर्ट दिख रहा है, 44,500 राउंड नंबर भी है, 45,500, ठीक है। निफ्टी बैंक को आपको मैं दिखाता हूँ इंट्राडे के चार्ट पे क्या कर सकते हैं। निफ्टी को इंट्राडे के थोड़ा सा आधे घंटे के चार्ट पे शिफ्ट करता हूँ, थोड़ा सा ना नॉइस को कम करते हैं। तो ये देखिए ये जोन इसने आज ब्रेक किया, ठीक है। यहाँ से शॉर्ट था और नीचे ये जोन देखिए, यहाँ से कितनी बार बाइंग आई हुई है, आज भी यहीं से बाइंग आई है, ठीक है। ये जोन सारा बाइंग के लिए है। और निफ्टी बैंक, टू बी वेरी फ्रैंक कि मेरी एडवाइस रहेगी कि निफ्टी बैंक को आप ट्रेड मत कीजिएगा। बहुत सारे स्विंग्स है ऊपर, ये देखिए ये बहुत ट्रैप करेगा। ये कम से कम भी आपको एक हफ्ता इतना अच्छे वाला ट्रैप करेगा ना निफ्टी बैंक। निफ्टी और फिन निफ्टी स्मूथ लग रहा है, निफ्टी बैंक को आप, मेरी एडवाइस यही है कि ट्राई मत कीजिएगा। इसके लिए अच्छी पोजीशन आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए ये जोन बना लीजिए, ये ऊपर का स्विंग है या नीचे का स्विंग है, इसमें आप स्ट्रैंगल बना के प्ले कर सकते हैं। ट्रेंडिंग मार्केट आज हो चुकी है, आई डोंट थिंक सो कि 2, 3 दिन, 4 दिन तक कोई ट्रेंडिंग ऐसी मार्केट आने वाली है। नीचे 44,000 से लेके ऊपर 46,000 तक, 46,000 तक, ये 2,000 पॉइंट्स की आप स्ट्रैंगल प्ले कर सकते हैं। और यहीं पे अगर ये 3-4 दिन रुक गया तो अच्छा खासा पैसा दे जाए।